नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी चैनल पर। दोस्तों, जो आपका कक्षा नवी का समाज विज्ञान का पेपर हो चुका है, तो आप सभी का पेपर बढ़िया गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका पेपर कैसा गया है। तो ये आपका 75 नंबर का होने वाला पेपर था, तो कितने अंक आपके आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। देखिए, आपको हमने सुबह जो क्वेश्चन बताए थे, अधिकतर उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, अब हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं कक्षा नवी की पूरी की पूरी। तो हम फ्री हो चुके हैं, थोड़ा काम था इस वजह से, तो हमने जितने भी क्वेश्चन बताए थे सुबह, आप देख लीजिएगा, वही वही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके बाद हम फटाफट से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया हुआ है, तो कितने आपके ऑब्जेक्ट सही हुए ये बताइएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप यहाँ देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो देखिए, विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? देखिए, ये आपका 7वां स्थान हो जाएगा। ये अगर आपने बी ऑप्शन किया होगा, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दूसरा दिया गया है गोवा के पश्चिम में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है। तो देखिएगा, ये आपका कन्नड़ हो जाएगा। फटाफट से अगर आप कन्नड़ किया होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आप लोग अगर यहाँ पर इसका आंसर क्या हो सकता है देखिएगा, क्योंकि 1960 आ रहा है आंसर, यानी कि 60 से 65 के बीच में आंसर है इसका। तो ये हम हो सकता है 1966 भी हो सकता है, ठीक है, 1866 हो सकता है इसका आंसर। ठीक, क्या हो सकता है? नहीं नहीं इसका रखिए एक मिनट। तो बच्चों, इसका आंसर राइट है 1865, क्योंकि ये वाला हम क्वेश्चन पढ़ने लगे थे, थोड़ा सा ध्यान में था। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मतदान के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो बच्चों को पता है न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होती है। 18 वर्ष के बाद आप क्या होते हैं, आप वोट डालने के लिए हकदार हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं। तो हकदार आपके कहाँ पूजा प्रजातंत्र में किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति, ये डाउटफुल है, इनके 1965 के बीच में हो रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है, ये सी ऑप्शन, यानी कि आपका 1960। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हमने 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, तो इनमें से आप कितने सही हो रहे हैं, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग अगर बच्चों कक्षा 10वीं की तैयारी करना चाहते हैं A to Z, तो हमारे द्वारा 10 टॉपर बैच लॉन्च कर दिया गया है। इसकी प्राइज मात्र आपकी 999 होने वाली है। ये आपकी प्राइज होली तक ही वैलिड रहेगी, इसके बाद आपका ये प्राइज होने वाला है 1999। ठीक है, 1999। तो बच्चों, आपको क्या करना है, इस बैच को फटाफट से ज्वाइन करना है, क्योंकि इस बैच में आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लाइव क्लासेस पढ़ाई जाएंगी और वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी। और आपको डेली यहां पर आपको क्विज दिया जाएगा, इसके बाद आपकी टेस्ट भी लिया जाएगा लाइव। तो फटाफट से अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप में लिंक दी गई है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपकी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाला है, फटाफट से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि रिक्त स्थान आ चुके हैं हमारे, रिक्त स्थान देखिएगा, हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन दिया गया है, इसको सॉल्यूशन की आप कहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं आप देख लीजिएगा फटाफट से। देखिए, हमने ये आपके जो चैनल है देखिएगा, यहाँ पर SKTeach का यू व्हाट्सएप पर, वो उस पर हमें इसका सॉल्यूशन हमने पहले ही भेज दिया है। देखिए, जो रिक्त स्थान में आपका पहले का मालाबार तट हो जाएगा, दूसरे का मृत्यु दर, तीसरे का आप करना है 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799। इसके बाद चौथे का आप जायद कर लीजिएगा, पाँचवें का शिक्षित बेरोजगारी, और छठे का प्रधानमंत्री। इसके बाद हम यहाँ पर देखिएगा, जो आपका प्रश्न क्रमांक दिया गया है, देखिए प्रश्न क्रमांक आपका दिया गया है 5वां, तो 5वें का उत्तर हम देख लेते हैं फटाफट से, जो हमने आपको व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कराए हैं। देखिए, हम आपको व्हाट्सएप चैनल ओपन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने आपको पहले ही सॉल्यूशन करके बता दिया था। देखिए, यमुना हो जाएगा आपका, इसके बाद हो जाएगा आपका रूसो, इसके बाद तीसरे का 28 जून 1999, इसके बाद चौथे का आपको राजेंद्र प्रसाद करना है। और आपको सदन पूछा गया था, तो कौन से सदन, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद देखिए, छठे का 5 जुलाई 2013 आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए, जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको भी हम देख लेते हैं, यानी सही जोड़ी बची है उनको हम देखिए। ये आपकी सही जोड़ी दी गई है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका सुंदरबन, ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, फ्रांस के राजा, ये हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, दूसरे का यहाँ पर देखिए, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है निष्पक्ष चुनाव, यानी कि ई वाला कर दीजिएगा। भारत का संविधान, देखिए भारत का संविधान यहाँ पर लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 को, ये बच्चों को पता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये आपकी हुई थी 2000 में शुरू। ठीक है, इसके बाद नर्मदा का उद्गम सभी को पता है, वो अमरकंटक हो गया है। तो बच्चों, अगर आपको ये पता है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से फटाफट से इन सभी को आंसर आपको कर लेना है, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, ये आपका फुल सॉल्यूशन बता दिया हमने। तो बच्चों, ये हमने आपको सॉल्यूशन बता दिया, इसमें कुछ सॉल्यूशन बचे हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप भी इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फटाफट से आपको क्या है, इस नंबर पर कॉल करना है, या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 8878775008, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर मैसेज से पूरी जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो फटाफट से आप ज्वाइन करिएगा, लिमिटेड सीट है, क्योंकि कई बच्चे ने ज्वाइन कर लिया, मात्र यहाँ पर लिमिटेड सीट दी गई हैं। तो फटाफट से ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दी गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।